हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मियोसिस रिजल्ट्स इन ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, बी रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, सी इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ एवर। तो आप बताइए क्या होता है मियोसिस में। जाहिर सी बात है, सबको ही जानता है मियोसिस की वजह से ही गैमिट बनते हैं। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है और मियोसिस के दौरान वेरिएशन भी आते हैं, यानी कि आप टिक करोगे ऑल ऑफ द एवर ऑप्शंस आर करेक्ट, है कि नहीं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ गैमिट इज फाइनली डिसाइडेड। तो मियोसिस के दौरान जब गैमिट्स बनते हैं तो उसमें जो गैमिट्स का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कब डिसाइड होता है, मतलब फाइनली गैमिट्स कब डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ अब इस गैमिट्स में ये वाला पार्ट जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, ऐसा कुछ। तो देखिए, गैमिट आप तब बनता है कहोगे जब ये क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी और मियोसिस में, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड में ये काम होता है, यानी आप कहोगे एनाफेज सेकेंड में होता है क्या, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमिट इज फाइनली डिसाइडेड इन एनाफेज सेकेंड। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है मियोसिस अकर इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, मियोसिस ऑर्गेनिजम्स में होता है कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान, या बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस होता है, और मियोसिस कहाँ होता है फिर, ओनली एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया ये ही बता दो, चलो ड्यूरिंग एनाफेज 1 में क्या होता है, मियोसिस के एनाफेज 1 में क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, या नॉन होमोलोगस ऑटोसोम सेपरेट होते हैं, या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखिए, आपने ये नॉन होमोलोगस वाला और नॉन सिस्टर वाले की तो बात ही नहीं करते हम, ठीक है। चलिए, क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं या फिर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते होंगे। तो आप कहोगे ये सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ये तो एनाफेज सेकंड में सेपरेट होते हैं ना, यानी बचा क्या, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं, इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, माइटोसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहला रिडक्शन डिवीजन, दूसरा इक्वल डिवीजन, और तीसरा लिखा होगा बोथ, और चौथा लिखा है मेरे ख्याल से नन ऑफ द एवव, ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद, जी बिल्कुल वही लिखा हुआ है। तो आप बता दीजिए, माइटोसिस, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है, माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है, यानी बी सही जवाब है। ठीक है जी, चलिए देखिए बाकी सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, तो मियोसिस 1 में जो बाइवेलेंट बनता है उसमें क्या होता है, दो क्रोमेटिड 1 सेंट्रोमियर, दो क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड एंड 4 सेंट्रोमियर। तो देखिए, 4 क्रोमेटिड अगर रहेगा तो 4 सेंट्रोमियर, अगर मान लीजिए देखिए ये 4 क्रोमेटिड 4 सेंट्रोमियर और ये 2 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर वाला, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, क्योंकि दो क्रोमेटिड अगर रहेगा, ऐसे अगर दो क्रोमेटिड रहेंगे तो एक सेंट्रोमियर रहेगा, और अगर चार ऐसे हो जाएं तो दो सेंट्रो, चार ऐसे हो जाएं तो दो सेंट्रोमियर आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों तो सही हैं स्टेटमेंट, पर एक्चुअल में बाइवेलेंट हम किसको कहते हैं, तो देखिए जो बनाया है ना ये टेट्राड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं, और इसी को हम बाइवेलेंट कहते हैं। तो इस बाइवेलेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन क्रोमेटिड, चार क्रोमेटिड, और अगर चार क्रोमेटिड हैं तो सेंट्रोमियर कितने, ये एक सेंट्रोमियर हो गया आपका और ये दूसरा सेंट्रोमियर हो गया, यानी क्या सही जवाब है आपका, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, G1, G2, G0, S फेज। तो देखिए जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं, G0 फेज। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, G0 फेज। जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं वो G0 फेज में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। बहुत आसान है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कहता है क्रोमेटिन कंडेंसेशन, दूसरा मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोजोम विद टू क्रोमेटिड जॉइंड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, और चौथा कहता है क्रॉसिंग ओवर। तो अब अगर बाकी आपको नहीं आता ना, तो इतना तो पता होगा कि मियोसिस में ही होता है क्रॉसिंग ओवर, तो ये माइटोसिस में नहीं होगा, यानी सही आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप देखो, ये क्रोमेटिन कंडेंसेशन ये माइटोसिस में नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ये माइटोसिस में होता है। बाकी ये सेंट्रियोल भी मूव करते हैं अपोजिट पोल में, और ये क्रोमोसोम भी बनता है ना दो क्रोमेटिड के साथ, जो कि एक सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये तीनों तो होते हैं माइटोसिस में, कौन नहीं होता है ये, तो वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला कहता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दूसरा 4 हैप्लोइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ, और दूसरा 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो एक्चुअल में देखिए ना, ये तीनों बातें सही हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, और एक बार मियोसिस होगा तो 4 हैप्लोइड सेल भी बनते हैं, और मियोसिस के एंड में क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। बाकी आप जानते हैं जब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है उसके बीच उसमें सिर्फ एक बार ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बीच वाला इंटरकाइनेसिस वाला फेज आता है, इंटरफेज, बीच में इंटरफेज आएगा ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद इंटरफेज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहेंगे। और इस इंटरकाइनेसिस में जो एस फेज है उसमें क्या होता है कि आपका डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है ना, ये बहुत शॉर्ट वाला इंटरफेस होता है, तो इस वजह से डीएनए का डुप्लीकेशन तो सिर्फ एक ही बार होगा, तो यही गलत स्टेटमेंट है। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, दूसरा डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, और इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, और इसमें सेल स्टॉप ग्रोइंग। तो देखिए, क्या सेल स्टॉप कर देता है ग्रो होना G1 फेज में? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। उसमें मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, G1 फेज में सिंथेसिस होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सेल मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होता है, एक्टिव होता है। क्या नहीं होता है? ये डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, क्योंकि ये वाला चीज़ तो एस फेज में होता है ना डीएनए का रेप्लिकेशन, तो वो G1 फेज में नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने सही कही है, ये भी कह रहे हैं कि डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए, इस चैप्टर में 10 MCQ दिए थे, हमने सभी को डिस्कस कर लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।